दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया 6 हफ्ते से जारी है और दिल्ली के तमाम बाजार खुल चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें साप्ताहिक बाजार लगाने वालों की, एक जोन में एक बाजार लगाकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं और अपनी आर्थिक हालत बिगड़ती देख शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगाने वालों ने मुख्यमंत्री आवास पर कटोरा पकड़कर भीख मांगकर अपना भारी रोष प्रकट किया और साप्ताहिक बाजारों को तुरंत खोलने की मांग रखी। और अगर बाजार खोलने में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो लोगों ने 18,000 रुपए प्रति माह मुआवजा देने की मांग रखी। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके कुछ हफ्ते ही बंद रहे तो सरकार के आर्थिक हालात दयनीय होने के दावे किए जाने लगे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पिछले 9 महीने से लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं। करीब 6 महीने 2020 में जिनके बाजार बंद रहे और फिर 2021 में करीब 3 महीने से साप्ताहिक बाजार पूरी तरह नहीं खुल पा रहे हैं, जिनसे इनकी आर्थिक हालत खराब हो गई है, जिससे मजबूर होकर इन लोगों ने हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं साप्ताहिक बाजार संयुक्त मंच के संयोजक अश्विनी बागड़ी के नेतृत्व में केजरीवाल के निवास पर कटोरा लेकर पहुंचे और मांग की कि साप्ताहिक बाजार तुरंत खोलने का आदेश जारी किया जाए या मुआवजे का प्रावधान दिया जाए। आइए सुनते हैं विरोध प्रदर्शन के दौरान अश्विनी बागड़ी समेत बाजारों के प्रधानों ने क्या कहा। 6 महीने से बेरोजगार रहे, इनके सप्लाई बाजार बंद रहे और 16 अप्रैल से 3.5 महीने बीतने जा रहे हैं। इस साल के कोरोना महामारी के चलते इनके बाजार बंद कर रखे हैं। हम केजरीवाल जी से कहना चाहते हैं, दिल्ली की जनता 70,000 करोड़ रुपया सालाना टैक्स देती है और ये साप्ताहिक बाजार वाले आपको GST के रूप में टैक्स कमा करके देते हैं। आज इस आपदा की घड़ी में ये लाखों साप्ताहिक बाजार वाले जो कि आपके वेंडर्स हैं, जो तहबेदारी की फीस आपको देते हैं, आपने कहा था कि आप दिल्ली को मत छोड़ो, आप इनके किराए का मकान का किराया देंगे। आज मकान के किराए की तो बात दूर है, इनके बच्चों के स्कूल से नाम काटे जा रहे हैं। हम जब 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के पास गए थे तो वहाँ से हमें पता चला कि केजरीवाल जी 1 जनवरी से दिल्ली में किसी जनता से नहीं मिले। 1 साल होने जा रहा है, केजरीवाल जी दिल्ली के गरीबों से नहीं मिले, लेकिन वो पंजाब के अंदर अपना डमडमा पीटने के लिए, उत्तराखंड के लोगों को ठगने के लिए, गोवा में लोगों को ठगने के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली मॉडल पेश करने के लिए। मैं केजरीवाल जी कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का मॉडल ये है कि आज दिल्ली का मेहनत कश कमाने वाला व्यक्ति के हाथ में कटोरा आ गया और वो कटोरा लेकर आपसे मांग कर रहा है कि हमारे बाजारों को खोलो या हमें न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दो। हमारे बाजार दिल्ली सरकार ने कागजों में खोल दिया, हमसे कहते हैं ग्राउंड में लगा लो, पार्कों में लगा लो, स्कूलों में लगा लो। स्कूलों के अंदर टीकाकरण चल रहा है, स्कूलों में राशन बट रहा है, पार्कों के अंदर जगह नहीं है, तो साप्ताहिक बाजार की दुकानदार कहाँ बाजार लगाए दिल्ली सरकार का जवाब। हमारी मांग यही है, साप्ताहिक बाजार खोल रहे हैं, 18,000 रुपए हो गए, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी मांग एक छोटी सी मांग है, या तो हमारे बाजार बोला है दे दिया जाए और मैं दूसरी बात सरकार कहना चाहता हूँ कि आप हमारे बात मैं 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल दे रहे हैं, क्या 5 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल में हमारा गुजारा हो सकता है? ये आप भी जान सकते हैं, सारे जान सकते हैं, ठीक है, हमारा गुजारा ऐसे हो पाएगा? हमारी ये हालत है कि मकान मालिक को ना हमारा सामान करके बाहर फेंक दिया, क्योंकि 4 महीने का मैं किराया नहीं दे पाया हूँ मकान मालिक को। विशाल धरना, अगर केजरीवाल जी हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो जहर खाने का अधिकार दे हमारे को। आपको बता दें कि लॉकडाउन 2020 और 2021 के दौरान दिल्ली में टैक्सी, ऑटो, बैटरी रिक्शा चालक और मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए आर्थिक मदद देकर थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन साप्ताहिक बाजार लगाने वालों की कोई सुध नहीं ली गई, जिससे मजबूर होकर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर भारी संख्या में कटोरा लेकर प्रदर्शन करने पहुँचे। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।
हो।